हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज के समय टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के समय मिलिट्री में किया जा रहा है, जैसे कि सबमरीन्स, टैंक्स, राइफल्स और एयरक्राफ्ट्स। और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आज के जंग जीते जा सकते हैं। पर सबसे जरूरी चीज एक सोल्जर के लिए क्या है? वो उसका आर्मर है जो उस सोल्जर को प्रोटेक्ट करता है, और उनकी यूनिफॉर्म अब टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा एडवांस हो गई है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मोस्ट पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री यूनिफॉर्म्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के दुनिया के मोस्ट एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री यूनिफॉर्म। नंबर 1, फ्यूचर फोर्स वॉरियर। यूएसए को विश्व गुरु माना जाता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और फ्यूचर फोर्स वॉरियर उनके एक मिलिट्री प्रोजेक्ट का नाम है। फ्यूचर फोर्स वॉरियर को वहाँ का मिलिट्री डिपार्टमेंट संभाल रहा है, जिसको वहाँ की मिलिट्री को मॉडर्नाइज और एडवांस करने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम को 2003 में शुरू किया गया था। इस फ्यूचर फोर्स वॉरियर सूट के 4 खासियत है। इसमें एक इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम है, साथ ही साथ एक लिक्विड बॉडी आर्मर भी है। तीसरा, फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसकी 4th खासियत है एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और सारी चीजों को मिलाकर एक फ्यूचर फोर्स वॉरियर का यूनिफॉर्म बनता है। इससे हर एक सोल्जर की एबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। इस मिलिट्री प्रोजेक्ट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि इनके सोल्जर्स को एक लाइटवेट, ड्यूरेबल और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट आर्मर मिल सके। इस सूट के बहुत से अनोखे फीचर्स देखे जाते हैं। इसके हेलमेट में एक वॉइस एक्टिवेटेड ड्रॉप डाउन स्क्रीन मौजूद है, जिससे कि एक सैनिक को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बिना अपना हथियार नीचे किए। और वो स्क्रीन 17 इंच की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर मैप्स और रियल टाइम वीडियोस भी देखे जा सकते हैं। सिर्फ अपने आसपास की चीजों को नहीं, बल्कि एक सैनिक अपने बारे में भी ज्यादा जान सकता है। एक सैनिक को अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में बताते रहता है। इस सूट के अंदर सेंसर लगे हैं जो सोल्जर्स के हर गतिविधि पर ध्यान रखता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशंस और हाइड्रेशन लेवल्स भी। इस सूट को पहनने से आसपास का 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, और इससे एक सैनिक आसपास के 1 किलोमीटर की रेंज में सारे सैनिकों को देख सकता है। इस सूट के अंदर 220 वॉट के बैटरी हैं, जिसमें कि एक माइक्रो टर्बाइन जनरेटर भी है, और इसको पावर मिलती है लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल से। और सिर्फ कुछ मिलीग्राम इस लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल का एक सैनिक के आर्मर को 6 दिन तक चला सकता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक लिक्विड बॉडी आर्मर है जो किसी भी गोली लगने पर हार्ड हो जाएगा, पर रहेगा लिक्विड ही। इसका एक्सोस्केलेटन एक सैनिक को बहुत भारी सामान उठाने में मदद करता है। इससे माना जाता है कि एक सैनिक 300 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो राइट साइड के आई बटन पर क्लिक करें। यह ले जाएगा आपको इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस की दुनिया में। नंबर 2, ओनिक्स। ये एक और बहुत ही बेहतरीन बॉडी आर्मर है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, और ये बॉडी आर्मर एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम है। इसको सोल्जर्स के पैरों पर फिट किया जाता है। इससे एक सोल्जर की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ जाती है। इससे एक सोल्जर को चोट लगने से भी प्रोटेक्शन मिलती है। इसको आप एक मोटराइज्ड रोबोटिक नी ब्रेस भी मान सकते हैं। ओनिक्स के इस्तेमाल से एक सोल्जर की मोबिलिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ एक सोल्जर ज्यादा देर बिना थके काम कर सकता है। इस एक्सोस्केलेटन की मदद से एक सोल्जर को आधा मेहनत करना पड़ता है वही काम करने के लिए जो बाकी सोल्जर्स करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, क्लाइंबिंग या फिर एक भारी सामान को उठाना। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओनिक्स में एक माइक्रो कंप्यूटर लगा है, और पूरे एक्सोस्केलेटन के सेंसर से उसको डेटा मिलता है, और जिसकी मदद से एक्सोस्केलेटन में लगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स एक सोल्जर के मूवमेंट में मदद करते हैं। एक्सोस्केलेटन अपनी मूवमेंट को सोल्जर के मूवमेंट के साथ सिंक कर देता है, जिसकी मदद से एक सोल्जर की मूवमेंट एनहांस हो जाती है। पूरे एक्सोस्केलेटन को पावर करती है एक बैटरी जो 8 घंटे से ज्यादा लास्ट करती है। इस पूरे सिस्टम से एक सोल्जर को कम मेहनत करना पड़ता है ज्यादा काम करने के लिए। इससे एक सोल्जर आराम से चढ़ाई कर सकता है और भारी वजन भी उठा सकता है। लॉकहीड मार्टिन इस एक्सोस्केलेटन को बनाने में लगा है, और जल्द ही आपको ये असल जिंदगी में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। ट्रैकनेक 3, सिर्फ यूएसए अकेला नहीं है जो ऐसे मॉडर्न आर्मर और सूट्स बना रहा है। अब हम देखेंगे एक ऐसा सूट जो रशिया बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉस्को में।
रैटनेक का मतलब ही होता है वॉरियर। रैटनेक अपनी में ही बहुत खास है और इसमें कई लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। इसमें एक टाइटेनियम से बना लोअर बॉडी फ्रेमवर्क है जिससे कि एक सोल्जर को ज्यादा स्टैमिना और स्ट्रेंथ मिल सकता है। साथ ही साथ हेलमेट के डिस्प्ले पर मेडिकल और टारगेट की लोकेशन दिखाई देती है। हमें इसके बारे में पूरी तरह से तो नहीं पता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पर हमें ये पता है कि इसका एक्सोस्केलेटन बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और एक्सप्लोजन प्रूफ है और इसको अच्छे से टेस्ट किया गया है उसके डेवलपर्स के द्वारा। अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। हेलमेट इसका सबसे आधुनिक और जरूरी हिस्सा है इस पूरे यूनिफॉर्म का। इसके हेलमेट को लाइट वेट बनाया गया है और बाकी हिस्सा हेलमेट का मास्क और आईवेयर है। इसके आई ग्लास में थर्मल इमेजिंग भी है और ये तो सिर्फ कुछ ही खासियत है। इसके अलावा इसमें रिकॉग्निशंस, हेल्थ डेटा, एक्सटर्नल टेम्परेचर, टारगेट इन्फॉर्मेशन और बायोलॉजिकल डेटा भी है। चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए नया फैब्रिक बनाया गया है और इससे एक सोल्जर इनविजिबल हो जाता है इंफ्रारेड सेंसर से। और जो सोल्जर के बूट्स हैं वो बने हैं टाइटेनियम के और पिछले एक्सोस्केलेटन के ही तरह एक सोल्जर का काम काफी आसान कर देते हैं। सोल्जर के बूट में ही बैटरी फिट की गई है। नंबर 4, फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। यहाँ सारे देश प्रगति कर रहे हैं अपने बॉडी सूट्स और आर्मर बनाकर, तो यूनाइटेड किंगडम कैसे पीछे रह सकता है। और इसी की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है फिस्ट, यानी कि फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है एक सोल्जर के कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम थेल्स है और इसको लगभग 2003 से बनाने में जुट गई है। इनका एम ये था कि एक ऐसा मॉड्यूलर सिस्टम बनाया जाए जिससे हर एक हथियार और उनके स्कोप्स और इक्विपमेंट एक ही में आ सके। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इसका इस्तेमाल अभी की ब्रिटिश मिलिट्री में हो रहा है। 30,000 से ज्यादा बैटल सूट्स को बनाया जा चुका है। USA और रशिया के बैटल सूट्स के विपरीत इस सूट का ज्यादा फोकस इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट पर रखा गया है। इसमें एक टारगेट लोकेटर, मैप सिस्टम, रेंज फाइंडर, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल कन्वर्टर्स भी है जिससे कि एक सैनिक को काफी मदद मिल जाती है और आसपास के सारे जानकारी एक सैनिक को मिल सकती है। इसकी बैटरी इस सूट को 5 से 6 घंटों तक चला सकते हैं, पर इस सूट को हर एक सोल्जर को नहीं दिया जाना है, बस एक यूनिट कमांडर को देना इनका मकसद है जिससे कि हर एक मिशन में उनको आसानी हो। नंबर 5, फेलिन। अगर आपको फेलिन को समझना है तो ये जान लीजिए कि ये एक हथियार नहीं बल्कि पूरे हथियारों का एक ग्रुप है। ये एक इंटीग्रेटेड इन्फेंट्री मैन इक्विपमेंट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसको फ्रांस की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स है। फेलिन अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस है। इसको ऐसा बनाया गया है कि ये एक सैनिक की हर एक दिक्कत को दूर कर सके। इसका रोल कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, मोबिलिटी, ऑटोनोमी, ऑब्जर्वेशन, कमांड और वेपन यूज का है। इसका जब इस्तेमाल उनके इलेक्ट्रॉनिक हथियार के साथ किया जाता है तो कोई भी सैनिक एक सुपर सोल्जर बन जाता है। ये एक पहला अपनी कैटेगरी में इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो एक सैनिक को पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल बना देता है जिससे कि एक सैनिक की ऑपरेशनल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फेलिन सिस्टम के काफी ज्यादा मॉडर्न फीचर्स हैं जैसे कि कॉम्बैट गियर, वेपन और स्कोप, आईपीस, कम्युनिकेशन सिस्टम, मल्टीफंक्शनल बिनोक्युलर्स और एक टर्मिनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसका इस्तेमाल किसी भी पर्यावरण में किया जा सकता है जैसे कि अर्बन, जंगल, डेजर्ट और माउंटेन एनवायरनमेंट। ये हर एक पहलू का ध्यान रखता है जैसे कि एक ऐसा स्कोप जिससे रात को भी हमला किया जा सके। एक सैनिक के पास अपना खुद का लाइट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक और अनोखा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो इनके बॉडी आर्मर में है वो है स्वेट रिमूविंग मैकेनिज्म जिससे कि एक सैनिक को ज्यादा कंफर्ट मिलता है और बाकी सूट की तरह इसमें भी बुलेट प्रोटेक्शन और फायर प्रोटेक्शन मिलता है और इसका इस्तेमाल आज के सैनिक ही कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारी ये वाली लिस्ट जिसमें हमने बताया है कुछ ऐसे मॉडर्न और अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक सूट्स को? अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।